नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो है डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली की एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसको लेकर ही लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, जिसको आपने देखा कि पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया था और साथ ही साथ पीएचडी के इंटरव्यू का शेड्यूल भी आया था। ठीक, आपने उस वीडियो को देखा, पसंद किया, अपना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दो डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनका इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं आया था और प्रॉपरली रिजल्ट भी नहीं आया था, क्योंकि उन दो डिपार्टमेंट्स का नाम है हिंदी और इंग्लिश। और सूचना ये मैंने बताई थी कि इंटरव्यू के लिए लिस्ट आई है, लेकिन उस इंटरव्यू की लिस्ट में एग्जामटेड कैटेगरी के बच्चों की सूचना नहीं थी। सूचना केवल एग्जामटेड कैटेगरी के अलावा जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उनकी लिस्ट आई थी, लेकिन अब जो अपडेट आया है कल की रात में, उसके अकॉर्डिंग एंट्रेंस क्वालिफाई बच्चों की लिस्ट आ चुकी है और जो बच्चे एग्जामटेड कैटेगरी में थे उनकी भी लिस्ट आ चुकी है। तो उसी के बारे में करूंगा आपसे बातचीत। डिपार्टमेंट हैं दो, हिंदी और इंग्लिश। तो पहले बात इंग्लिश की, ये मत समझिएगा कि मैं हिंदी का विरोधी हूँ इसीलिए इंग्लिश की बात पहले कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन पहले इंग्लिश का खुला तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 40 बच्चे थे जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके पास गए थे इंटरव्यू के लिए, और जो बच्चे एग्जामटेड कैटेगरी में हैं उनकी संख्या है 45। तो 40 और 45 मिलाकर हो जाते हैं 89। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने 89 बच्चों को बुलाया है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू की डेट को आप सुन लेंगे और समय को सुन लेंगे। 7 अक्टूबर सुबह 9 से 11 बजे तक पहली शिफ्ट, और 7 अक्टूबर को ही दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दूसरी शिफ्ट होगी। 7 अक्टूबर को 23 बच्चों को बुलाया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा 8 अक्टूबर को सीरियल नंबर 24 से लेकर सीरियल नंबर 45, सीरियल नंबर 24 से लेकर सीरियल नंबर 45 तक के बच्चों को बुलाया गया है 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को बुलाया गया है सीरियल नंबर वही 46 से लेकर 67 तक। और उसके अलावा 11 अक्टूबर को सीरियल नंबर 68 से लेकर लास्ट के जो भी बच्चे हैं 89, यानी कि 11 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चों को बुलाया गया है पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू कैसे देना है, कहाँ देना है, कब देना है, आपको मालूम चल गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे, हिंदी विभाग में 45 बच्चों का चयन हुआ था साक्षात्कार के लिए, जिन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिन बच्चों को प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्ति, यानी कि जो बच्चे एग्जामटेड कैटेगरी में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उनको मिलाकर और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को जब योग टोटल कर देते हैं तो हो जाती है 145, अगर मैं सही हूँ, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं, फिर भी गलत हो सकती है, 145 नहीं है, 124 है। तो 124 बच्चों को बुलाया गया है हिंदी विभाग में पीएचडी का साक्षात्कार देने के लिए। अब हिंदी विभाग के बच्चे अपनी डेट सुन लेंगे कि कौन सी डेट को उनको बुलाया गया है इंटरव्यू देने के लिए। उनकी डेट है 4, 5, 6, 7 अक्टूबर, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर, 4 दिन में आपका साक्षात्कार होना है इन 124 बच्चों का। किस बच्चे का इंटरव्यू कौन से समय है उसके लिए लिंक में एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और हिंदी डिपार्टमेंट और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बच्चे तैयारी करिएगा अच्छे से, साक्षात्कार दीजिए, क्वालिफाई हो जाइए और पीएचडी में ले लीजिए एडमिशन। यूनिवर्सिटी कोई बुरी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी बुरी नहीं होती है, ना ही फैकल्टी बुरी होती है, क्योंकि काम आपको करना है। आपका काम ही यूनिवर्सिटी को रिजल्ट देता है और आपका रिजल्ट ही यूनिवर्सिटी को उच्च उच्चतम या उच्चोसत, संस्कृत का शब्द है, उस स्थान पर पहुंचाता है। तो ये मत समझिए कोई यूनिवर्सिटी छोटी है, बड़ी है, पुरानी है, नई है, आपका काम और आपका परिणाम ही यूनिवर्सिटी और आपके स्तर को तय करता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके इंटरव्यू कल से स्टार्ट है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2 अक्टूबर की आपको बहुत पुनः बधाई, अहिंसा दिवस मनाइएगा अपने तरीके से, जो भी आप समझते जानते हैं। और बस यही थी सूचना, अगले वीडियो में वेट कीजिए किसी और विश्वविद्यालय के अपडेट का। आपके पास कोई जानकारी हो जो शेयर करना चाहते हो उसको शेयर कीजिए, वीडियो बनाया जाएगा। आप कहीं किसी एक सब्सक्राइबर में से मुझे किसी ने कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, उसका वीडियो आज शाम या रात्रि तक आपको मिल जाएगा, उसकी भी बहुत बहुत अग्रिम बधाई आप सभी को। और मेरे से कोई सुझाव चाहते हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक, चैनल को सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब, सभी का अधिकार आपके पास है। अपने अधिकारों को जानिए, उसका अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, लेकिन
कर्तव्य को भी समझिएगा। आर्टिकल 19 है आपके पास, तो आर्टिकल 32 भी है, तो आर्टिकल 51 ए भी है आपके पास। जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।